बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक दिन एक बुआ जी रही हो, मोहल्ला भर आगरा के जितना सेठ परिवार रहा सब बुआ जी ये कहा करें, 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी वहीं रहा करें, 10 नवीन लड़कियां पीछे घुमा करें बुआ जी के घुमा करें, वो भी दर्शन करने आवे भीड़ में और चली जाए। एक दिन अकेली बुआ जी आई, गठड़ी ला के रख दिया 6000 चांदी का रुपया, एक गठड़ी में जेवर उतना ही बड़ा ढेर, दो ढेरियां रख के बोले महाराज इतना धन है मेरे पास, कहीं बैंक में जमा कर देंगे, मैं रोटी बना दिया करूंगी और आप भजन करना, कहीं कुटिया बना लेंगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं संत की तलाश में थी कोई मिला ही नहीं, आप महापुरुष मिल गए महाराज हम भी चलें। महाराज क्या हो, गंगा जमुना किनारे नंगे पांव घूमते घूमते भगवान चप्पल खड़ा हो पहनने ही नहीं दे, इसलिए नंगे पांव थे, बियाई फट गई पांव में, बियाई फट जाने का मतलब उसमें से खून चक चक का आता है पांव के तलवों में, और उस खून जहां चक चक का है तो उसमें जो बालू के कण पड़ते हैं तो गोली की तरह लगता है, नंगे घूम के देखो ना जाड़े भरे में फट जाए सबके हमारे फटी हम जानते हैं, तो वो जब कण पड़ जाए बालू के तो गोली की तरह लगे, तो हमारे महाराज के फटी रही, चलने में कष्ट होता है, ठीक ही तू कह रही है, उससे तो महाराज ने कुछ नहीं कहा, मन में ये भाव आया ठीक ही तू कह रही, दो रोटी बना देगी और कहीं बैठ के भजन करी हूं, मन में थोड़ा सा कुतर्क आया, महाराज ने कहा कुछ नहीं, विचार भी कुछ नहीं, विकार भी कुछ नहीं, मन में थोड़ा कुतर्क आया, चलत चलत थक गया, वो अपन गठरी सठरी लेके चली गई। माई लोगों की बड़ी बुद्धि होती, इस भाव भंगी माँ को पढ़ ले गई, चली गई। उसी दिन सत्संगी महाराज, गुरु महाराज के गुरु महाराज, जहां रात को 2 बजे उठ के महाराज भजन बैठे तहां पहुंचे, 2 पंडित लेके, पीले वस्त्र पहने पंडित, तिलक लगाए, जनेऊ पहने पीली, मंत्र उच्चारण करते हुए चले आ रहे हैं, और सत्संगी महाराज डंडा खटखटाते हुए चले आ रहे, धैत थोड़ी ढोंगी काहे बकला ध्यान लगा के बैठा है रे आंख मुदले से काम चली, उठ गया से पकड़ो रे एक सारे का, नहलाओ इसको, अब तो पंडित लोग फिर नहलावे, गंगा जल डाले और महाराज क्या हो, दुका दुका मंत्र पढ़े महाराज के लिए, अब संस्कृत पढ़ो तमक्षरम परमम वेदी तभ्यम, तो पढ़े लिखे थे नहीं, महाराज क्या हो दुका दुका मंत्र पढ़े, फिर पानी डाले, फिर दुका दुका मंत्र पढ़े, फिर पानी डाले, और फिर बाद में सत्संग महाराज बोले उठ भाग, इसी वक्त भाग, सार मेरिया लेके भागा यात्रा रे, तुम्हारा कल्याण इसी में, इसी वक्त भाग जाओ। बस महाराज को चेत हुआ, ये जो दृश्य आया अनुभव 15 मिनट का था, भाई इतने में आता ही है दृश्य, जो अनुभव आता है बैठे बैठे आता, उसका नाम सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव, शरीर जागता रहे मन भजन में सुप्त हो जाए लौ लग जाए, उस समय जो दृश्य आता है वो सुषुप्ति सुरा संबंधित अनुभव कहलाता है, उस सपन नहीं होता, ये ध्रुव काट्य होता है, सच होता है। जहां मिला महाराज उठे तुरंत, डर गए तुरंत उठे और चल दिए,
उसी वक्त चल दिए। चले जा रहे थे, दो तीन लड़कों की निगाह पड़ गई, रे संती जी जा रहे हैं, वो भी पीछे लग गए। उतने दिन महाराज के रहनीस को देख के बहुत से लड़कों में वैराग्य जग गया था। तीन लड़कों की निगाह पड़ गई, वो पीछे लग गए। हरिद्वार गए, हर की पैड़ी पर उनको बहुत समझाया, लौट जाओ। बोले महाराज अब हम भी भजन करेंगे, हमने भले घर के थे तो उनको हर की पैड़ी पर सोए हुए छोड़ के महाराज आगे बढ़ गए। बटक बुटक के ढूंढ ढांड के फिर घर चले आए। आना ही था और कहां जाते, महाराज मिले ही नहीं। चढ़ गए ऋषिकेश के पहाड़ पर, बद्रीनाथ के पथ पर। पांच महात्मा दम लगाने का उपक्रम कर रहे थे, बड़ी वाली चिलम गांजा गठ रहे थे, उसी में संखिया डाले थे। महात्मा लोगों के चिलम बड़ी कीमती होती है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, संखिया भी एक होता है, बड़ा जहरीला पदार्थ, बहुत नशा है। उसकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए तो नशा बैकुंठे में उतरी, रस्ते में कहीं नहीं। तो उसको डाल दिया, गठा गठ रहे थे। महाराज पहुंचे तो बोले आइए संत जी, बैठिए, आप भी दम लगाइए। तो वो सब तो तमाम गुदड़ी सुदड़ी गंजी कोट पहने हुए थे महाराज, एकदम दिगंबर। महाराज सोचे बड़ी स्थिर की तरह हवा चल रही है, थोड़ी दो फूंक खींच लेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी तो ठंडी थोड़ी रुक जाएगी। बैठ गए, जहां चिलम तैयार हुआ तो महात्मा लोग खुद नहीं पीते, पहले दूसरे को देंगे, लीजिए संत जी चेताइए। तो एक बहुत लालायित था चिलम के लिए, लपक के हाथ आगे बढ़ाया, ले लिया और पकड़ के सुर 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 तीन चार बार खींचा, फिर करके खींचा, चिलम इधर और बाबा जी इधर, मर गए। फिर श्वास लौट के आई ही नहीं। और जो चार बाबा जो बच्चे थे वो भर दिन उठ के भागे, इतने अनचित्ते में भागे कि महाराज जो कहे महाराज के मैं हूं, उठ के भागे हूं। 15 कदम तक मैं भागा, फिर हम खड़े हो गए, ये क्यों भाग रहे हैं और मैं क्यों भाग रहा हूं, बात क्या है। देखा ओ ये मर गया है इसलिए भाग रहे हैं, डर की वजह से। तब महाराज ने डांटा, बोले करे साधु हो कि भाड़ हो, मर गया तो क्या हो गया, हम पीते हम मर जाते, तुम पीते तुम मर जाते, ये कोई अपराध है, ये तो जरा सा नशे में संख्या ज्यादा हो गया और क्या हो गया, भागना मत, नहीं तो अभी पुलिस थाना पास में रिपोर्ट करके सबको पकड़वा दूंगा, चलो आओ इधर। तब सब लौट आए, गांव पास ही में था, बुलाए गांव वालों को, पंचायत पत्र पे दस्तखत कराया, लिखा पढ़ी करके उनकी अंत्येष्टि करवाया, फिर वो चारों महात्माओं के दंडोत महाराज अब चलो अपने रास्ते, हम कहां फंस गए यार तुम लोगों के बीच में। और इधर एक रास्ता दिखाई पड़ रहा था, महाराज भक्तों की आजकल साधु जाते हैं, बोले वहां जाएंगे तो चाय पानी मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलते थे, जिधर मो उधर चल दिया। सारी भूमि गोपाल की, ये निराधार विचरण का यही तरीका गुरु महाराज का था, यही हम लोगों को सिखाया गया था, लेकिन हमसे नहीं पार लगा और सबसे पार लगा। सब महात्मा सादर विदा हो गए, गांव वालों ने पंचनामा करके उल्लास अंत्येष्टि करवा दिया, फिर वो लोग अपना संभाल लिए। गांव वाले बोले संत जी का हम लोग करेंगे, क्या होता भंडारा संडारा। महाराज
उनका शक छोड़ दिया। एक सड़क दिखाई पड़ी साफ सुथरी, उसी को पकड़ लिया। महाराज ने सोचा कि सड़क है तो कहीं गांव ग्राम भी होगा, चल दिए अनजाने पथ पर, और भी जंगल घना होता चला गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट रोड थी, वन विभाग की बनवाई हुई सड़क थी, गांव राम था ही नहीं। हाथियों की ताजी लीद मिलने लगी, देहरादून में हाथी बहुत थे, आज भी हैं, बढ़ते ही चले गए। शाम हो गई, एक घना पेड़ रोड किनारे उसके नीचे बैठ गए, बाजू में हाथियों की लीद भी पड़ी थी, हाथियों में झुंड घुमाई करता था वहां। जो बैठ गए तब भगवान ने रात में अनुभव में आदेश दिया, तुम कहते थे चलते चलते थक गए, वो बुआ जी के समय में यही तो सोचे रहे कि चलते चलते थक गए, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ के भजन करते कुटिया हो जाती, ये संकल्प आया था ना। तुम कहते थे कहीं रुक जाते ठीक रहा, रुको फिर यहीं रुको, यहां तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, भगवत स्वरूप में स्थिति मिलेगी, यहां तुम्हें ये सिद्धियां मिलेगी, यहां पत्ते पत्ते पर लट्टू लग जाएंगे, यहां तुम्हारे द्वारा लोगों का बहुत कल्याण होगा, यहां तुम्हें सदुवाई की जो स्थितियां सब उपलब्ध होंगी, रहो यहीं पर। रहना चाहते थे ना एकांत, निजी कुटिया में रहना चाहते थे, रहो फिर यहां पर। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, न पानी पीने का न खाना खाने का, न महाराज को प्यास लगे न भूख लगी, तो लगे ही ना, देहरादून ठंडा एरिया है। चौथे दिन भगवान ने कहा देखो ठीक वैसा ही होगा जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी एक सिपाही दूध लेके आएगा, दूध पीना भर मत, सब ठीक यथावत होगा, केवल एक बात से सावधान रहना, सिपाही का दूध मत पीना, इतना भर ध्यान रखना पक्का। महाराज ने सुन लिया, फिर करीब करीब भूल गए, चित से उतर गया। बड़े सवेरे सिपाही दूध लेके पहुंचा, भगवान प्रणाम किया सादर, बोले भगवान दूध ग्रहण कर लें, आधा किलो दूध एक कटोरे में। तब महाराज को याद आया भगवान ने कहा था कि सिपाही दूध लेके आएगा, वो पीछे पड़ेगा, पी लो, तुम पीना भर मत, तो सब यथावत वैसे ही होगा, यहाँ कुटिया मिलेगी, स्वरूप मिलेगा, स्थिति मिलेगी, सिद्धियां मिलेगा, लोगों का बहुत कल्याण होगा, पत्ते पत्ते में लाइट लग जाएगी, इससे कैसे कहें कि भगवान ने मना किया। कोई कैसे विश्वास करेगा कि भगवान भी बोलते हैं और मना करते हैं। तो बोले देखो दो चार महीना बाद तुम कुछ भी लाओगे हम ले लेंगे, अभी हम ने भूखे हैं ने प्यासे हैं, हमारा यही नियम है, यही व्रत है जो हम कर रहे हैं, हमारी चिंता छोड़ो, तुम चले जाओ अपना दूध दूध लेके, उठो यहां से भाग जाओ, हम बिल्कुल ठीक ने भूखे हैं ने प्यासे, हमारा यही व्रत है, यही नियम है भजन का। तो वो बोला भगवान हम लोग इतने पाप किए हैं, मैं इसी जंगल का सिपाही हूं, जब आप जंगल में प्रवेश किए तब से आप पर दृष्टि गड़ाए हुए हूं, आप यहाँ आके बैठ गए, रोज दूर नजदीक से देख लिया करता हूं, चार दिन से आप कहीं गए नहीं, ने प्रसाद पाया ने कहीं पानी पिया, हम लोग इतने अभागे हैं महाराज, छोटी सी भेंट भी नहीं स्वीकार करेंगे,
तो हम अभागों का कल्याण कैसे होगा। वो अटर बटर कुछ न कुछ बोलता ही चला गया एक घंटा। तो उससे जीव छुड़ाने के लिए महाराज के पीने का मन भी नहीं था, जीव छुड़ाने के लिए झुंझलाहट में कटोरा उठाया और पी गया। बोले भाग यहां से, शुद्ध खोपड़ी खा गया एक घंटे से, गंवार कहीं का समझे न बूझे। वो सादर प्रणाम किया चल दिया। अभी गेट तक भी नहीं पहुंचा था तब भगवान ने डांटा, बोले कहा था ना दूध मत पीना, पी लिया, भागो यहां से, यहां कुछ भी नहीं होगा। अब मना किया मत पीना, पी लिया, तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं रहने की, इसलिए अब या न तुम्हें कुछ मिलेगा, न स्वरूप मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, भाग यहां से। महाराज कहे हो, पेट भर खायो का नहीं मिला, दो पौवा दूध के पीछे सिद्धियां गई, प्राप्ति गई, सब कुछ गया, तो रेख लांग सी बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। लक्ष्मण ने कहा रे माता जी, रेखा पार मत करना, थोड़ी सी जहां रेखा पार किया तो रोने को आंसू नहीं मिला, लंका में पड़ी रोते रह गई। तो भगवान जो सीमा रेखा निश्चित कर दे, साधक को उसको अक्सर से पालन करना उस समझ में आवे चाहे न आवे, वास्तव में भगवान के आदेश का पालन ही भजन है। भगवान कल क्या बीतेगी उसको जानते हैं, तुम आज की देख रहे हो। भगवान कह दे ये आम का पेड़ है तो तुम्हें आम ही मिलेगा, भले ही वो पीपल का क्यों न हो। भगवान कल की देख रहे हैं, तुम आज की देख रहे हो। महाराज क्या हो, भगवान पेट भर खायो का नहीं मिला चार दिन बाद, और भगवान चुतरे पे डंडा मार के मौके भगा दिए। बेटा आज्ञा पालन ही भजन है और कोई भजन नहीं, सारी साधना वही है, साधना में जो प्रगति अगति वो आज्ञा पालन। फिर वहां से चलते हुए इधर चले आए अयोध्या तरफ। सर जो इस पार एक लकड़ मंडी रेलवे स्टेशन है छोटा सा, वहां एक वंशीदास महाराज वैष्णु संत बड़े अच्छे थे निवास करें, वो भी त्यागी महाराज दिगंबर, तो त्यागियां क्या महाराज की पटरी बैठ जाया करे, जाए तो अवश्य रुके। गोचर भूमि थी वहां पर, जमींदार पीरियड था, भारत आजाद नहीं हुआ था, पहले की बात है, तो जमींदारी पीरियड था, जमींदारों की तरफ से गोचर भूमि छूटी हुई थी, उसी में बंसीदास महाराज की कुटिया थी। गोचर भूमि में से 80 बीघा करीब बंसीदास महाराज जी ने भी पता नहीं क्या क्या बो दिया। अब गांव भर परेशान, कोई आवे गोरू वोरू तो मारपीट के भगा दिया करें, और जब महाराज जाए तो चिलम पी और बोले देखो परमर्श जी, ये जो धान यहां से वहां तक बोया है ना, ये सब हमारे है राम जी की इच्छा से, इधर जो ये गेहूं बोया ये सब राम जी की इच्छा से हमारे हैं। फिर चिलम लगावे, बोली कलमी आम का बगीचा लग गया राम जी की इच्छा से हमरे है, और बिन तप तेज कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। फिर बोले इधर जो ये बना है ये भी राम जी की इच्छा से हमरे है, बिन तप तेज कर विस्तारा। बहुत खुश रहे महाराज, सुने उन्हें रहे, और फिर बाद में वहां से विदा लिए और निकलना चाहे तो भगवान से पूछा प्रभु चतुर्मासा का समय आ गया है, पानी बरसने बूंदी पड़ना शुरू हो गया, कहां चतुर्मासा करूं।
तो भगवान ने आदेश दिया अनुभव में, सड़क जा रही है जंगल में से, सड़क के इस पार माई का घर, इस पार पिताजी का घर और थोड़ा आगे बेल का पेड़, इसी के नीचे बैठ के चतुर्मासा करो। जहां महाराज ने उस अनुभव को समझा तो बोले, भगवान भी पता नहीं क्या क्या बताया करते हैं। माई बाबू के मरे पता नहीं कितने साल हो गए, कहते इधर माई का घर, इधर बाप का घर, पास में बेल का पेड़, वहां जाके चतुर्मासा करो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।